नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA एंड CS, ऑल लेवल्स फॉर ऑफलाइन स्मार्ट क्लासेस स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस और साहस एप्लीकेशन। दोस्तों, 12th कॉमर्स में SP एंड CC सब्जेक्ट में, SP में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर सेर ट्रांसफर एंड सेर ट्रांसमिशन। और आज के इस स्पेसिफिक सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी फॉर सेर ट्रांसफर, मतलब के सेर ट्रांसफर के प्रोसेस में जो कंपनी के सेक्रेटरी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। तो आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक ले ले, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखे और मेरे साथ साथ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान से समझना है। जरूरी सारी चीजों को आप टिक मार्क हाईलाइट करोगे और अपनी नोटबुक में भी लिखोगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी फॉर सेर ट्रांसफर। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो क्या कहा है, ट्रांसफर ऑफ सेर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है। अभी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कहो या ट्रांसफर ऑफ टाइटल कहो, ओनरशिप की जगह पे टाइटल वर्ड यूज करते हैं ना, तो भी इसका मतलब ओनरशिप ही हुआ। द सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, ही हैज टू लुक आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर, देयर शुड बी नो लिटिगेशन इन फ्यूचर फॉर नॉर शुड द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट बी इग्नोर्ड। मतलब के सेक्रेटरी को यहां पर जो सेयर ट्रांसफर होते हैं उसको पूरा ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है कि आगे चल के इसके ऊपर कोई लिटिगेशन ना हो। लिटिगेशन का मतलब क्या, कोई कोर्ट केस ना हो, कोई ऑब्लिगेशन ना है, कोई कोर्ट केस यानी के कोई ऑब्लिगेशन, किसी को ऑब्जेक्शन समझ लो आप एक तरह से, कोई ऑब्जेक्शन ना जनरेट हो, ये सेक्रेटरी को ध्यान रखना है। If such provisions are ignored, then the secretary and other responsible person found guilty can be punished. मतलब अगर यहां पर सेक्रेटरी ध्यान नहीं रखता है और सेयर ट्रांसफर प्रोसेस में कुछ गलत होता है तो उसके लिए सेक्रेटरी या और कोई जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसको क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है। तो यहां पर सेक्रेटरी किन किन चीजों का ध्यान रखेगा, तो देखिए सबसे पहले वेरीफाई सेयर इंस्ट्रूमेंट यानी कि सेयर ट्रांसफर फॉर्म। सेक्रेटरी जो सेयर सर्टिफिकेट और सेयर ट्रांसफर फॉर्म उसको मिलते हैं जो कि जो होल्डर होता है वो भेजता है कंपनी को, तो यहां पर सेक्रेटरी क्या देखेगा, सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई सेयर इंस्ट्रूमेंट केयरफुली। ही हैज टू वेरीफाई क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर, सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर एसेंशियल डिटेल्स एज पर द प्रोविजन, के भाई जो भी नाम है वो प्रॉपरली है ना, जो भी वैल्यू है वो प्रॉपर है ना, साइन हुई है ना, और जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सब फिलअप हुई है ना। अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो सेक्रेटरी वहीं पे वो सेयर ट्रांसफर को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो यहां पर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि सेयर ट्रांसफर फॉर्म को यानी कि सेयर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट को वो प्रॉपरली यानी कि केयरफुली चेक करे, उसके अंदर नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू, सिग्नेचर, ये सब इंफॉर्मेशन चेक की जाए। उसके साथ साथ वो क्या देखेगा, स्टैंप एंड फीस। सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स मेंशन इन द ट्रांसफर फॉर्म। ही आल्सो वेरीफाई वेदर द स्टैंप ड्यूटी ऑफ फिक्स्ड बाय द शेयर होल्डर इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब कि दो चीजें चेक करनी है कि भाई मार्केट वैल्यू क्या है और वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही जो स्टैंप लगता है वो लगाया हुआ है ना, मतलब स्टैंप ड्यूटी पे की है ना। ऐसा ना हो कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है बट जानबूझ के टैक्स कम पे करने के लिए ये वैल्यू कम दिखाए, तो सेक्रेटरी मार्केट वैल्यू चेक करेगा और उसके हिसाब से क्या यहां पर स्टैंप अप्लाई यानी कि पेस्ट हुई है नहीं ये चेक करेगा। देन थर्ड ऑब्वियसली बात है, सिग्नेचर ऑफ विटनेस। तो सिग्नेचर ऑफ विटनेस इज एसेंशियल, सेक्रेटरी हैज टू सी एंड एंश्योर द सिग्नेचर ऑफ विटनेस। मतलब शेयर ट्रांसफर फॉर्म पे अगर ये शेयर ट्रांसफर फॉर्म है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें जो सेलर है वो और जो बायर है वो, उन दोनों के सिग्नेचर तो होंगे ही बट इसके साथ साथ विटनेस के भी सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये विटनेस की भी साइन है या नहीं ये चेक कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। देन रिसिप्ट ऑफ सेयर ट्रांसफर,
नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की है रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर. तो आफ्टर रिसीविंग द शेयर ट्रांसफर फॉर्म और इंस्ट्रूमेंट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस और रिसिप्ट शैल बी इश्यूड प्रोवाइडेड ऑल नेसेसरी डिटेल्स सेटिस्फैक्टरी. मतलब के सेक्रेटरी जो है वो होल्डर को मेंबर को वो नोटिस भेजेगा रिसिप्ट भेजेगा कि भाई आपका शेयर ट्रांसफर फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट हमको मिल गए हैं और उसके अंदर आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की हुई है वो प्रॉपर है. हम आपके शेयर ट्रांसफर फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट दोनों को एक्सेप्ट करते हैं. ऐसी एक रिसिप्ट वो इश्यू करेंगे. कौन? सेक्रेटरी. किसको? मेंबर को. देन रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द शेयर ट्रांसफर फॉर्म इज फाउंड सेटिस्फैक्टरी, जो इंफॉर्मेशन है वो सही है, सेटिस्फैक्टरी है, करेक्ट है, तो क्या होगा? शेयर ट्रांसफर इज अप्रूव्ड. और वो अप्रूव्ड कैसे होता है? तो इसके लिए रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द शेयर ट्रांसफर इज पास्ड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. तो सेक्रेटरी को ध्यान रखना है कि अगर शेयर ट्रांसफर फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मिले और ये मीटिंग के अंदर ये शेयर ट्रांसफर को अप्रूव कर दिया जाए. तो यहां पर पहले 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए. किसके? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफर. तो पहले वीडियो को पॉज करके ये 5 पॉइंट को कम से कम 2 बार रिफर करें और अपनी नोटबुक में 1 बार नोट डाउन कर दीजिए. अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर. बट ये पॉइंट डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको फिर से याद करवा दूं कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स चाहे 11th 12th कॉमर्स के लिए, FYSY TY BCom of MS University के लिए, CA या CS के लिए बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन लेना चाहते हो तो साहस इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टडी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके एक्सलेंट क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ बहुत ही हाई टेक क्लासेस में ले सकते हो. दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर लाइव जुड़ सकते हो और आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में प्रेजेंट हो. और तीसरा, साहस एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे एजुकेशनल फीचर्स जो मिलते हैं उसका एक्सेस कर सकते हो. और ये तीनों ही ऑप्शन पे लोवेस्ट फीस पे बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं. चलिए फिर से हम लोग हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं. 6th पॉइंट, एंट्री इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर. आफ्टर ग्रांटिंग द शेयर ट्रांसफर, देखो एक बार शेयर ट्रांसफर को ग्रांट कर दिया, कैसे ग्रांट करेंगे? रिजोल्यूशन पास करके. देन नेसेसरी एंट्री क्या करना है? नेसेसरी एंट्री इज टू बी मेड बाय सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर. तो ये शेयर ट्रांसफर के लिए जो जरूरी एंट्री है वो सेक्रेटरी करेगा, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में करेगा, मेंबर्स रजिस्टर में करेगा, मतलब जहां पर भी जरूरी एंट्री है ये शेयर ट्रांसफर रिगार्डिंग, वो सब ये सेक्रेटरी करेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. जो मैंने अभी कहा, देखो द शेयर ट्रांसफर इज अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर प्रेजेंटेड बाय द शेयर होल्डर, सो इट इज फॉलोड बाय द नेसेसरी एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. मतलब के जो मेंबर का रजिस्टर होगा ये है फॉर एग्जांपल मेंबर्स रजिस्टर. तो इसमें क्या करेंगे? जो सेलर है ये सेलर का नाम कैंसल किया जाएगा और जो नया बायर हुआ है वो बायर का नाम ये मेंबर्स रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा. क्लियर? देन नेक्स्ट, टू इश्यू नोटिस रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर. शेयर ट्रांसफर के अप्रूवल रिगार्डिंग नोटिस इश्यू करेगा. तो आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके अप्रूव किया जाता है, नोटिस इज इश्यूड टू द परचेसर एंड द शेयर बायर. यहां पर सेलर होना चाहिए, शेयर परचेसर एंड शेयर सेलर, मतलब बायर और सेलर दोनों को नोटिस भेज के इन्फॉर्म करेंगे भाई आपका शेयर ट्रांसफर हो गया है. मिस्टर ए को बताएंगे कि आपके शेयर आपने जो सेल करने के लिए भेजे थे वो शेयर हो गए. मिस्टर बी को बताएंगे कि आपने जो शेयर बाय करने के लिए किया था प्रोसेस वो आपके शेयर बाय हो गए, आपको मिल गए. देन 9th पॉइंट, प्रिपेयर शेयर सर्टिफिकेट. तो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर इट इज ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू प्रिपेयर न्यू शेयर सर्टिफिकेट फॉर द न्यू शेयर होल्डर. मतलब कि न्यू सर्टिफिकेट बनाएंगे, अगर पुराने ही सर्टिफिकेट में जगह है तो उसमें एंट्री करके न्यू शेयर होल्डर को भेजेंगे, अदरवाइज न्यू सर्टिफिकेट न्यू शेयर होल्डर को भेजा जाएगा.
क्लियर। तो नया सर्टिफिकेट बनाने का और वो नए शेयर होल्डर को भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? कंपनी सेक्रेटरी की रहेगी। देन टेंथ पॉइंट, इश्यू शेयर सर्टिफिकेट टू न्यू शेयर होल्डर। अभी ये शेयर सर्टिफिकेट जो है वो दे देने का, यहां पर पहले बोला कि प्रिपेयर करेंगे, अभी ये जो प्रिपेयर किया है वही इसको भेज देना, शेयर सेंड करना, ठीक है। तो वैसे ही एक ही हो गया, पर फिर भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहां पर क्या किया, बनाया, प्रिपेयर न्यू शेयर सर्टिफिकेट, और यहां पर क्या करेंगे, डिस्पैच टू द एड्रेस एज पर द रिसिप्ट। ये जो शेयर सर्टिफिकेट नया बनाया है वो नए शेयर होल्डर को भेज देंगे। तो आफ्टर द न्यू सर्टिफिकेट इज प्रिपेयर्ड, न्यू शेयर होल्डर इज इन्फॉर्म टू कलेक्ट द शेयर सर्टिफिकेट एज पर द रिसिप्ट इश्यूड अर्लियर, एंड द शेयर सर्टिफिकेट कैन ऑल्सो बी डिस्पैच टू द एड्रेस एज पर द रिसिप्ट। मतलब या तो नए बायर को इन्फॉर्म करेंगे भाई आप आओ और आपका नया शेयर सर्टिफिकेट ले जाओ, या तो फिर कंपनी खुद ये नया शेयर सर्टिफिकेट डिस्पैच करेगी, यानी कि सेंड करेगी टू द न्यू शेयर होल्डर। एंड द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी इज ऑब्जर्व द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस किया है शेयर ट्रांसफर का, उसके लिए जितने भी जरूरी प्रोविजन दो जगह पे होते हैं, एक कंपनीज एक्ट में है और दूसरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, सेक्रेटरी हैज टू कंफर्म हिमसेल्फ दैट नो प्रोविजन ऑफ AOA हैव बीन वायोलेटेड। मतलब कोई भी ब्रीच नहीं हुआ है, कोई भी प्रोविजन ब्रेक नहीं हुआ है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस शेयर ट्रांसफर। तो सेक्रेटरी को ये 11 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है विद रिगार्ड्स टू शेयर ट्रांसफर। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक में कम से कम एक बार तो जरूर लिखिए, हो सके तो दो बार लिखना, और बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन के लिए और आगे प्रोफेशनल करियर CACS बनाने के लिए SAAS इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़े। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।